टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल तो बच्चे देखिए जिसका जिसका भी अंबर भाग दो है बुक का नाम अभी भी मेंशन कर रहा हूँ अंबर भाग दो भाग दो जो जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनका मैं ग्रामर यहाँ पे कवर करूँगा ग्रामर में कितने मार्क आता है क्या क्या आता है क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है सब कुछ आपको बताया जाएगा मतलब मैं पहले पहले दिखा देना चाहता हूँ आप पेपर थोड़ी देख ले ये अच्छे से दिखाई दे रहा है दो हज़ार इक्कीस का पेपर है मेरे पास ठीक है फाइनल एग्ज़ाम का पेपर है एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी और ग्रामर सेक्शन मैं खासकर अभी ग्रामर सेक्शन की बात करूँगा तो ग्रामर सेक्शन आपका शुरू होता है ये पेपर है देख ले रहे का पेपर है तो मैं ग्रामर सेक्शन शुरू होता है यहाँ से यहाँ पे मेंशन किया गया है व्याकरण और रचना देखिए एग्ज़ाम में क्या आता है पहले उसे फोकस करना जरूरी है पहले हम जान लेते हैं क्या क्या आता है ठीक है क्या आता है कितना मार्क आता है मार्क आप आपको आप पेन ले लीजिए मेरा बात मानिए पेन लेकर अब लिखते जाइए ठीक है कोई भी स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग्स करता हो चाहे हिंदी मीडियम से हो जिसका भी अंबर भाग दो है उसका मैं ग्रामर कवर करूँगा ठीक है यहाँ पर देखिए प्रयावचित शब्द दो मार्क बस मार्क काउंट करते जाइए पर्यावचित शब्द लेकिन एग्जाम में मेंशन कर देता है किन्हीं दो का ये वर्ड बहुत जरूरी है यहाँ पे मेंशन ओनली टू ओके ओनली टू आपको लिखना है यहाँ पे बहुत दिया है सूरज है पक्षी है धरती है दोस्त है बहुत बस पर्यावचित शब्द जैसे धरती का भू धरा वसुंधरा सूरज सूरज का आपका रवि दिनकर दिवाकर ठीक है दोस्त का मित्र सखा इस तरह बहुत होता है तो दो दो और दो दो लिखना है सिर्फ दो दो बोलिए टू का लिखना है और टू टू करके लिखना है यानी पर्यावचित शब्द मार्क आपको मार्क काउंट करने बोल रहा हूँ और सब्जेक्ट पहुँचा नहीं शब्द दो मार्क ओके विलोम शब्द दो मार्क ठीक है चार मार्क हुआ विलोम शब्द दो मार्क चार मार्क चार मार्क विलोम मतलब उल्टा चार मार्क जोड़े शब्दों का अर्थ चार मार्क और दो मार्क छः मार्क कितना हो गया छः मार्क छः मार्क और यहाँ पे आपका फिर से दिया है इन्हीं दो का एक शब्दों में प्रकाश करो छः और दो आठ मार्क अभी तक हम लोगों ने आठ मार्क काउंट किया ग्रामर कितना आता है देखते हैं ग्रामर का कितना वेटेज रहता है ठीक है आठ मार्क आठ मार्क ठीक है उसके बाद समास आ चुका है आम, Uh, समास uh, आठ दो दस मार्क मुहावरे आया है दो मार्क का दो, दो दो ही लिखना है चार देता है एग्जामिनर तो आठ मार्क दो मार्क दस मार्क दो मार्क बारह मार्क बारह और इधर आपका देख रखा है एक का करन, तेरो मार्क का वाक्य शुद्धिकरण तेरह मार्क तेरह मार्क मतलब वो मिश्रित वाक्य संयुक्त वाक्य अच्छा तेरह मार्क इधर आपका है वाक्य शुद्धिकरण दो मार्क तेरह चौदह पंद्रह मार्क हम मार्क गण रहे हैं, कितना मार्क पंद्रह मार्क यहाँ पे एक लेटर राइटिंग दे के रखा है पंद्रह और पाँच बीस मार्क ओके अभी तक बीस मार्क ये तो वैचित्र में असम से है वो ऑलरेडी करा दिया था हमें बीस मार्क बीस मार्क हम्म बीस मार्क हुआ यहाँ पे दे के रखा है आपका अनुच्छेद लेखन पाँच मार्क बीस और पाँच पच्चीस पच्चीस मार्क पच्चीस मार्क और यहाँ पे दिया है अलंकार और रस जो है पच्चीस हजार उनतीस मार्क ट्वेंटी नाइन मार्क ओके ट्वेंटी नाइन मार्क ट्वेंटी नाइन मार्क, मार्क यहाँ पे देखते हैं ये जनगोष्ठी प्रदर्शन ना अब नहीं है यानी हम लोगों ने देखा ट्वेंटी नाइन मार्क अप्रोक्सीमेटली अगर बढ़ा जाए तो तीस मार्क का तो ओनली ग्रामरी सेक्शन है ग्रामर सेक्शन यानी मैं आशा करता हूँ कोई भी बच्चा तीस मार्क का ग्रामर कर लेता है दस मार्क का बचित्र में असम कर लेता है चैप्टर अगर दो तीन याद हो कर लेता है वो बच्चा आराम से पास कर सकता है आराम से ठीक है एकदम बहुत इजी है पास करना बहुत सारे इंग्लिश मीडियम का कुछ स्टूडेंट है जिसको हिंदी नहीं आती है ऐसा ऐसा स्टूडेंट को भी मैंने कोचिंग कराया पढ़ाया आपने कोचिंग में तो वो स्टूडेंट को कॉ ख तक नहीं आता था आपको बिलीव नहीं होगा मैं सिर्फ ग्रामर सेक्शन से उन लोगों को पास करवा दिया और बोलिएगा सर सिर्फ पास कराए नहीं ऐसा बात नहीं है बच्चा अदर सब्जेक्ट में मैथ्स हो गया सोशल हो गया ठीक है आपका अदर साइंस हो गया ये सब में लेटर लेके आया बच्चा जो है ये सब में लेटर उठाया था लेटर मार्क था लेटर लिया लेकिन हिंदी को किसी तरह मैंने उसमें पास करवा दिया क्योंकि हिंदी उन उसके लिए इतना टफ था कि ऐसा लगता था कि पहाड़ है कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट भी मेरे पास पढ़े हैं मैं मिला है बहुतों का तो लेटर अदर सब्जेक्ट में रहिएगा एम में फेल होइएगा तो एग्जामिनर फेल करा देगा तो तीस मार्क लाना ही आपको बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पे कोई ग्रेस मार्क नहीं रहता है ठीक है तो ग्रामर स्टार्ट करते ग्रामर की कुछ कुछ मैं पार्ट दिखाना चाहता हूँ पूरा बहुत है अब बोलिएगा सर पर्यावचित शब्द भर भर के हैं यहाँ पे सिक्सटी सेवेंटी पर्यावचित शब्द कवर किया गया है आपको विश्वास नहीं होगा लास्ट टेन ईयर्स का आपका 10 साल का 2015 से लेकर 2023 के हफेली तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं चाहे फ्री फाइनल हो गया या फाइनल हो गया या हफेली हो गया सब ग्रामर यहाँ पे कवर किया गया है और हमने ये भी नोटिस किया कि मैंने जब ये तैयार कर चुका ग्रामर का नोट्स इस नोट्स से बाहर आपको कभी भी एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं जो नोट देता हूँ ये ग्रामर में जो भी मैं दे दिया हूँ आपको अलग से कोई व्याकरण कोई ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है ये मैं चैलेंज करता हूँ लेकिन बात हुई जे ये बहुत मेहनत से बनाया गया पी मैंने पहले तो नोट्स हैंड रिटर्न नोट्स बनाया गया फिर पी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया गया प्रावचित शब्द देखें ठीक है तो इसके बाद आएगा विलोम शब्द विलोम में भी बहुत भर भर के है सृष्टि अंत सदवा सदवाबिदो अग्रजनू जे सब आ चुका है पहले एग्ज़ाम में ठीक है बच्चे ये सब आ गया है आप आराम से पढ़ सकते हैं और आपको मालूम ही है आपका एग्ज़ाम फाइनल एग्जाम फेबरी का पाँच तारीख से शायद स्टार्ट हो जाएगा शायद फेबररी में है ठीक है तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी ग्रामर का ही पार्ट था मैं पूरा पार्ट ही यहाँ पर कवर किया गया है मुहावरे देखिएगा मुहावरे भी एग्ज़ाम में बिल्कुल कैसे लिखना है आपको इस तरह ही कवर किया गया है जिससे मुहावरे अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी आपको ब्रेकेट में लिखना पड़ेगा बुद्धि भ्रष्ट होना और फिर एग्जामिनर वो बोलता है कि वाक्य भी बनाना है तो एक वाक्य एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख कर बनाया कि अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना वाक्य क्या तेरा अक्ल पर पत्थर पड़ा था जो तुम उससे उलझ पड़े तो इस तरह करके बहुत ही बारीकी से ये नोट को तैयार किया गया है ठीक है आप आराम से इसका पीडीएफ फॉर्म लेके ज़ेरेक्स कर सकते हैं और आपको समय भी बच जाएगा ठीक है आपको विश्वास नहीं होगा भर भर के था मुहावरा अब होता है वाक्य परिवर्तन वाक्य को कैसे चेंज किया जाए इसके लिए एक स्पेशल वीडियो है वो भी आपको देखना पड़ेगा लगभग आधे घंटे का क्लास मैंने लिया हूँ वहाँ पे और पूरा अच्छे से समझा दिया हूँ होमवर्क भी वहाँ पे दिया गया है और वाक्य परिवर्तन समझाया भी गया है सरल वाक्य होता है मिश्र वाक्य होता है संयुक्त तो वाक्य होता है एक दूसरे दूसरे को अल्टर चेंज कैसे करते हैं एक दूसरे को लिंक कैसे करते हैं सब समझाया गया है जिस तरह एक साधारण मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक क्वेश्चन है मिश्र वाक्य में परिवर्तन करो आपको मिक्स में लेना है जिस तरह क्वेश्चन दिया था परिश्रमी व्यक्ति को सफलता मिलती है तो परिवर्तन में आपको मिश्र बनाना पड़ेगा मिक्स बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है तो इस तरह करके है वाक्य परिवर्तन बच्चे एक और क्वेश्चन आ जाता है एक का वाक्य शुद्धिकरण ठीक है दो मार्का आया हुआ था हमने देखा कि आप मेरे साथ आओ हाँ आप मेरे साथ आइए तो शब्द में कुछ या तो वाक्य शुद्धिकरण में क्या होता है आपको विश्वास नहीं होगा वाक्य शुद्धिकरण में बच्चे क्या होता है कि एग्जामिनार या तो लिंक में आपको शुद्धि दे देगा लिंक मेल फीमेल में जिस तरह यह पुस्तक मैं यह पुस्तक मैं पढ़ा हूँ यह पुस्तक मैंने पढ़ी है ठीक है तो पुस्तक जब स्त्रीलिंग होगा तो हमें स्त्रीलिंग में डालना पड़ेगा ठीक है उनके बहन जी दिल्ली में रहती है उनकी बहन जी उनके नहीं होगा उनकी बहन जी ये लिंग में गलती था ठीक है तो ये मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दिया बहुत अच्छा से नोट बनाया गया है आप मार्केट में जाते हैं नोट्स खरीदने डेढ़ दो सौ रुपया ले लेगा ले हिंदी ग्रामर का नोट्स चाहे लेकिन आपको सॉरी बच्चे एक भाई का ही आया था आपको विश्वास नहीं होगा कि मार्केट में जाइएगा डेढ़ दो सौ रुपया नोट का दाम ले लेगा जो आप मॉडल ख़रीदिएगा लेकिन वो मॉडल से पढ़ के आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन मेरा नोट्स है वहाँ पे मैं हंड्रेड परसेंट ये मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पे समझाया भी अच्छी तरह गया है और ये नोट्स ही आपका एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंसेगा आपको विश्वास नहीं होगा बहुत सारे लगभग दो साल से मेरा ही नोट्स बहुत सारा बच्चा ऑनलाइन का स्टूडेंट लोग पढ़ रहा है ठीक है क्लास नाइन वाला भी मेरे से ही ले रहा है और वचन से देखिए वचन में भी कभी कभी एक वचन वह वचन में गलती दे देता है प्राण निकल गया ठीक है तो प्राण एक बचन में भी होगा बहुवचन में भी होगा तो प्राण निकल गए तो प्राण खासकर बहुवचन में रखा जाता है तो प्राण निकल गए तो वचन में भी गलती देता है कभी संज्ञा में भी गलती दे देगा नाम में इस तरह करके गलतियाँ देता है बच्चे उसके बाद आएगा पत्र लेखन अपने जीवन का लक्ष्य बताकर मामा जी को पत्र लिखो एक लेटर को कैसे तैयार करना चाहिए पूरी यहाँ पर बारीकी से समझाया गया है सेवानगर गुजरात आपको यही देना पड़ेगा सेवानगर ही देना पड़ेगा गुजरात ही दीजिए क्योंकि बस आपको वो पेटेंट करेगा एग्जामिनर ना कि आप दिल्ली से रहते हैं मुंबई से रहते हैं वो चेक करेगा ना ही आपको फोन करके पूछेगा कि आप सेवा नगर में है कि नहीं बस पैटर्न से ही होना चाहिए दिनांक दे दिया गया है परम पूज्य मामा जी सादर प्रणाम इस तरह करके पैटर्न शुरू होता है और यहाँ पर जाके आपका खत्म हो जाता है फिर एक है अपने परीक्षा की समाचार देकर अपने चाचा जी को पत्र बच्चे इस तरह बहुत कुछ है यहां पर मैं लेटर राइटिंग भी सिखाया इसी में समास भी आ जाएगा रस देखिए रस रस भी है समास भी है ठीक है करुण रस भयानक रस प्रिय वात्सल्य रस सब कुछ है और अलंकार भी है उपमा अलंकार श्लेष अलंकार सब बारीकी से समझाया गया है समाज का ट्रिक तक दे दिया गया है कि समाज को कैसे पहचानना है और इसके बाद आता है लेटर राइटिंग लेटर राइटिंग में बहुत कुछ है प्रदूषण है अनुशासन है इंटरनेट है ठीक है पुस्तकालय पर निबंध है विद्यार्थी जीवन अनुशासन है बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है लास्ट में आपका असम की बाढ़ समस्या है मतलब क्या बोलूँ बहुत स्वच्छ भारत अभियान बहुत बड़ा पी है बच्चे ये देखिए ये मैं खुद से लिखता हूँ असम की बाढ़ समस्या है प्रस्तावना से इंट्रोडक्शन से शुरू होता है ये लास्ट में खत्म हो जाता है तो अब बात है कि ये पी आपको मिलेगा कैसे देखिए ये बहुत मेहनत से बनाया गया है ये लगभग सिक्सटी पेज का एक पी है बहुत बड़ा पी डी एफ है न, बहुत बड़ी एम है लेकिन बात है कि इत, बहुत मेहनत से तैयार किया गया है इसके लिए आपको बाज़ार की नोट खरीदने की जरूरत नहीं है आपको कुछ रुपये पे करके बहुत कम प्राइस में बच्चे बहुत कम प्राइस में ठीक है ये बहुत ज़्यादा प्राइस है ये मुझे चाहिए ही नहीं इतना प्राइस बहुत लो प्राइस में मैं ऑफ़र किया हूँ एग्ज़ाम नियरली है बहुत लो प्राइस में आपको ये दे दिया जाएगा पूरा पीडीएफ मिलेगा आप आराम से जेरेक्स कीजिए पढ़िए इसके बावजूद भी आपको समस्या होती है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये न, समझ में नहीं आ रहा है आपको कोई स्क्रीन शॉट भेजिएगा तो उसको मैं फ़ोन करने से मैं उसको एक्सप्लेन करके मैं समझा भी देता हूँ कोई भी समस्या आ जाती है आप हमें डिस्कस भी कर सकते हैं हमसे तो आप पी खरीदने के लिए डिस्क्रिप्सन के नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिसको जिसको इंटरेस्ट है बच्चे ये आपको विश्वास नहीं होगा जो भी स्टूडेंट लेके पढ़ा है वो कभी भी न, मतलब न, हिंदी में फेल होने का नाम ही नहीं क्योंकि मैं हिसाब करके बता दिया थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी 61 जो पेज है बहुत बड़ा पेज है ये पढ़ना ही पड़ेगा बहुत सारा ऐसे है बहुत सारा पर्यावरित शब्द बोलिएगा सर एक्स्ट्रा दिए हैं क्या कोई एक्स्ट्रा नहीं है लगभग 10 साल का कलेक्शन मैं दिया हूँ और दस साल का कलेक्शन जो दिया हूँ इससे बाहर अब एग्जामिनर पूछता ही नहीं है मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ इससे बाहर नहीं पूछता है मेरे कई सारे बच्चे लास्ट ईयर ही मेरे दो तीन बच्चे लेटर लेके आए हिंदी में इस्पेसली हिंदी में मेरा स्टूडेंट ज़्यादा लेटर लेके आता है क्योंकि मैं सब बारीकी से कवर करता हूँ आपको विश्वास नहीं होगा जो बुक है उसका भी मैं हैंड्स रिटर नोट्स खुद से बना रहा हूँ मैं मॉडल वगैरह पे भरोसा नहीं करता अगर मैं कहानी खुद पढ़ा रहा हूँ इतने दिनों से तो मैं उसका आंसर मैं खुद लिख के खुद देता हूँ बच्चे को वो भी दूंगा आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा वो ऑलरेडी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको मिल जाएगा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो अभी तक किरणों का खेल नमक का दरोगा लगभग कई सारे चैप्टर कवर कर चुका हूँ वो डाल दूंगा मैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर है व्हाट्सअप नंबर है आराम से वहाँ पर कॉन्टेक्ट कीजिए मुझे मैसेज दीजिए आपको कितना पे करना है नहीं करना है बहुत कम प्राइस में दिया जाएगा मैंने पहले ही बोला और बस आप वहाँ से बात कर लीजिए आप मुझे मैसेज कीजिए मैं सब कुछ वहाँ पे डिटेल वगैरह बोल दूंगा ठीक है तो बाय द वे आई होप कि आप लोग को ये हेल्पफुल रहा होगा वीडियो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम नहीं है सो बाय बाय टेक केयर ठीक है आप आ, और एक बात है बच्चे आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए उनका भी भलाई हो ठीक है भलाई इंसान की करनी चाहिए